in my YouTube channel SLV classes. Guys, today we are going to do some questions based on reasoning for banking, SSC, NET and Railway. But before starting this video, I wanted to say something about my YouTube channel SLV classes. Guys, if you really like my contents and videos, please like, share, comment and subscribe and follow me on Instagram. अगर मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाउ गाइस कम टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्शंस क्या दिया है क्वेश्चन का? इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस फाइंड द ऑड नंबर लेटर नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर बोले ऑड पेयर निकालना है, या तो पेयर निकाल सकते हैं या तो नंबर निकाल सकते हैं, लेटर्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, तो यहाँ पर जितने भी है उसमें से ऑड वन आउट होता है ना, एक क्वेश्चन ऑड वन आउट मतलब जो सबसे अलग है, जो डिफरेंट है फ्रॉम अदर ऑप्शन से। ठीक है, सारे फोर ऑप्शन गिवेन होते हैं, ठीक है, ए बी सी डी ऑप्शन गिवेन होते हैं, जिसमें से थ्री जो ऑप्शन होते हैं, कोई भी थ्री हो सकता है, वो सिमिलर होते हैं, लेकिन एक्सेप्ट वन, एक ऑप्शन क्या होता है, डिफरेंट होता है, उसी को हम लोगों को फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन वन में क्या दे रहा है, स्क्वायर सर्किल कंपास एंड रेक्टेंगल। स्क्वायर स्क्वायर सर्किल रेक्टेंगल, ये सारे आपके शेप आ गए। ठीक है, ये सारे शेप है, और कंपास तो जिससे खींचा जाता है, जो इस टाइप का होता है, इसमें पेंसिल फंसा जाता है। ठीक है, ये हो गया, समझ में आया। तो ये सारे आपके शेप हो गए और ये सिमिलर है, ऑड वन आउट कौन सा है, कंपास है। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। समझ में आया गाइस? अब क्या करेंगे देखते हैं। क्वेश्चन टू में देखते हैं, 5753483654882। इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, इसका दो आंसर आएगा। कैसे, पहले देखते हैं 753 को प्लस करेंगे, 7 + 5 + 3 आपका 15 आ जाएगा। ठीक है, इन तीनों को प्लस करेंगे, 12 और 3 15 आ गया प्लस करके। ठीक है, इसको भी प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा 15 आ जाएगा, लेकिन इसको प्लस करेंगे 8 8 16 16 + 2 18 आ जाएगा। तो ऑड कौन सा आ गया आपका, ऑप्शन डी आ गया। अब क्या करेंगे, दूसरा मेथड देखते हैं। ये देख सकते हैं 753 आपका 3 से डिविजिबल है, यानी 251 आ गया, 3 से जो डिविजिबल है। एक आपका ऑप्शन डी आएगा और एक डिफरेंट आ सकता है, ये भी देख सकते हैं। ठीक है, 483 भी आपका क्या है, 3 से डिविजिबल है। ठीक है, ये भी डिवाइड हो गया। 654 आपका 3 से डिविजिबल नहीं है, ये नहीं कटेगा, तो इसमें सी भी आ रहा है। और 882 भी आपका 3 से डिविजिबल है। ओके, सो इसका आ जाएगा 294, ये आ गया, ये भी डिवाइड हो गया। तो इस क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर टू के दो ऑप्शंस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा लगाते हैं। एक, दोनों ही ऑप्शन और दोनों ही मेथड ठीक है। पहले में करेंगे जो इन सबको जोड़ के आ रहा है आपका 15, तो ऑड आ जा रहा है आपका क्या, ऑप्शन डी। लेकिन अगर ये देखें कि डिविजिबल बाय 3 कौन सा है, तो आपका आ जाएगा ऑप्शन सी। समझ में आया गाइस? नाउ गाइस कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 36 4 13 8 69 24 6। इसमें से हम लोगों को ऑड नंबर्स निकालने हैं, जो कि ऑड वन आउट होने चाहिए। ओके, तो देखते हैं इसको 36 + 4 करेंगे, 40 आ जाएगा। इसको 13 + 8 करेंगे, कितना आ जाएगा आपका, 21। इसको 16 + 9 करेंगे, 525 आ जाएगा। इसको 24 + 6 करेंगे, ये आ जाएगा 30। ओके, तो देख सकते हैं ये जो आ रहे हैं नंबर्स यहाँ पर, 40 21 25 और 30, ये सब में से सिर्फ 21 जो है 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है, बाकी ये भी डिविजिबल बाय 5 हो सकता है, ये भी डिविजिबल बाय 5 और ये भी डिविजिबल बाय 5 हो सकता है, एक्सेप्ट 21। सो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑड क्या हो जाएगा इसमें से, 21, यानी सबसे अलग कौन सा नंबर है, 21 है। ओके, 21 इट मींस 13 और 8, यानी ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ओके गाइज, नाउ गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ पर है ऑप्शन डी ई बी जे ए डी एम वाई एल एच यू आर। इसको अल्फाबेटिकल सीरीज से ना करके ऐसे भी देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सारे में यहाँ पर ई है वोवेल, यहाँ पर ए वोवेल है और यहाँ पर यू वोवेल है। वोवेल यानी ए ई आई ओ यू, फाइव वोवेल्स होते हैं जिसमें से तीन वोवेल्स यहाँ पर दे दिया है। सिर्फ एम वाई एम में कोई भी वोवेल नहीं है, ओके। और देख सकते हैं वोवेल बीच में ही दिया है, समझ में आया? यहाँ पर बीच में ही दिया है और यहाँ पर बीच में क्या दे दिया, वाई। सो ऑड वन आउट क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ओके, समझ में आया गाइस? नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शंस में अल्फाबेट गिवन है, ओके। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप लोगों को अल्फाबेटिकल सीरीज और उनके प्लेस वैल्यू पता होने चाहिए कि कौन सा अल्फाबेट किस प्लेस पर है, ओके। सो यहाँ पर ऑप्शंस में चेक करेंगे, ऑप्शन ए को देखते हैं, बी सी डी एन एम एल, ये तीन दूर दूर है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं बी आपका टू पर आता है, ये थ्री पर, ये फोर पर, और ये फोर्टीन, ये थर्टीन और ये ट्वेल्व, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, प्लस वन हो रहा है और इसमें प्लस वन हो रहा है, यानी टू में प्लस वन करेंगे थ्री आएगा, थ्री में प्लस वन करेंगे फोर आ जाएगा, समझ में आया? और इसमें क्या हो रहा है, माइनस वन हो रहा है, यानी फोर्टीन में से माइनस वन करेंगे थर्टीन आ जाएगा और थर्टीन में से माइनस वन करेंगे ट्वेल्व आ जाएगा, समझ में आया? अब ऑप्शन बी को चेक करते हैं, आर एस टी वाई एक्स डब्ल्यू, प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। आर का प्लेस वैल्यू कितना है, 18, इसका 19 और इसका 20, और वाई का आपका है 25, 24 और 23, ठीक है। ये वाई का आपका 25, एक्स का 24 और डब्ल्यू का 23, समझ में आया? तो ध्यान से देखिए, इसमें प्लस वन करेंगे 19 आ जाएगा और 19 में प्लस वन करेंगे 20 आ जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पर 25 और 24 में माइनस वन हो रहा है और 24 और 23 में भी माइनस वन हो रहा है, तो इन दोनों में ये पता चल गया कि एक बार प्लस वन हो रहा है और एक बार माइनस वन हो रहा है, ठीक है। अब ऑप्शन के ये देखते हैं, के एल एम जे आई एच, के का 11 होता है, एल का 12, एम का 13, जे का आपका होता है 10, ओके, इसका 9 और इसका 8, इसमें भी प्लस वन, इसमें भी प्लस वन हो रहा है, ठीक है ये भी, और इसमें भी माइनस वन और इसमें भी माइनस वन हो रहा है, समझ में आया? अब लास्ट ऑप्शन चेक करते हैं, एच आई जे और टी एस ओ, यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए मैंने इसे नीचे लिखा, ओके। इसका प्लेस वैल्यू 8 है, इसका 9 और इसका 10 और इसका 20 है, इसका 19 है और इसका आपका आ जा रहा है 15 आ जा रहा है, ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15, ओके। सो यहाँ पर तो प्लस वन हो ही रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस वन हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जा रहा है, माइनस फोर हो जा रहा है। तो देख सकते हैं कि ये तीनों में से ही डिफरेंट क्या आ रहा है, ऑप्शन डी आ रहा है, ठीक है। तो ऑड नंबर क्या हो जाएगा, ऑड अल्फाबेट क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ऑड लेटर्स क्या हो गए आपके, एच आई जे टी एस ओ, समझ में आया गाइस?